अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 9x माइनस 1/3 रूट एक्स का होल पावर 18, जिसमें हमें 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया क्या है वो लिख लेते हैं, n इक्वल टू 18 दिया है, x इक्वल टू 9x, y इक्वल टू माइनस 1/3 रूट एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं एक लाइन आगे लिख रहा हूं, प्लस करके यहां माइनस इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 रूट एक्स। अब देखिए r क्या होगा, हमें 13वां पद ज्ञात करना है, तो r जिस पद को ज्ञात करना होता है उससे एक कम होता है, तो 13 से एक कम क्या होगा, 12, तो r की जगह हम 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें व्यापक पद का सूत्र पता है, व्यापक पद बराबर क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर, ठीक है। अब देखिए सब मान रख देते हैं, आर का मान क्या है 12, तो 12 धन 1, तो देखिए 12 धन 1 क्या होगा 13, हमें 13वां पद निकालना है, तो टी 13 आ गया। एन एन के जगह क्या आएगा 18, तो 18 सी 12, एक्स का मान क्या है, x की जगह 9x का घात n माइनस आर, तो n क्या है 18, 18 माइनस 12, और y की जगह क्या होगा माइनस 1/3 रूट एक्स इसका पावर r, r यानी कि 12। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं, तो 18 से 12 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 18 बट्टे फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 18 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 6, 9x 18 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया माइनस 1/, देखिए इसका जो पावर है उसको ओपन कर लेते हैं अपन, और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 9x का होल पावर 6 होगा, तो 9 जो है वो 6 बार हम लिख सकते हैं ऊपर में, तो 9 का पावर 6 और x का पावर 6 दोनों को अलग कर लिया मैं, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे जो घात है वो सम है, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, तो 1/ क्या होगा 3 का पावर 12 होगा और रूट एक्स का पावर 12, तो रूट एक्स का पावर 12 क्या होगा, देखिए रूट एक्स का पावर 12 इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स यानी कि एक्स 1/2 हमें ये पता है, और ये 12 दिया हुआ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में होगा, 2 1 2 6, यानी कि x का पावर 6 कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6। अब इसी को हम आगे हल करते हैं, तो t13 इक्वल टू फैक्टोरियल 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 17 16 15 14 13 × 12, हम ये लिख सकते हैं, और नीचे से जो फैक्टोरियल 12 है उसको हम कट कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 12 कट गया। यहां से देखिए x का पावर 6 कैंसिल हो गया, 9 का पावर 6 और 3 का पावर 12, तो देखिए ये जो 3 है सॉरी ये जो 9 है वो 3 का पावर बना सकता है, ठीक है। ये क्या होगा 9 का पावर 6, तो 3 का पावर 9 क्या है 2 होता है, और 6 मल्टीप्लाई में, तो 6 × 2 = 12, तो 3 का पावर 12 है ये, इसका मतलब ये 3 का पावर 12 है, यहाँ भी 3 का पावर 12 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, फैक्टोरियल 6 का भी मान निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो देखिए यहां से 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 8 हो जाएगा, 4 × 4 = 8, तो t13 निकालने के लिए हमें 3 × 17 × 2 × 14 × 13, ठीक है, ये हमें करना होगा, तो t13 क्या हो जाएगा 18564, ये हो गया आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7, तो देखिए क्या दिया है,
3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 7 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य पद होता क्या है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका जब प्रसार करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। तो इसका मध्य पद क्या हुआ, ये बीच का जो पद है ना, क्या प्लस 2xy, ये मध्य पद है। तो ऐसा ही हमें ये ज्ञात करना है। तो ये जब 2 विषम संख्या, सॉरी सम संख्या है, तो इसका 3 पद आया, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पद क्या हुआ, ठीक है, पदों की संख्या कितना है, 3। तो जब घात अगर 2 है तो पदों की संख्या 3 है, यानी कि जितना भी घात होगा उससे एक अधिक पद होगा। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है घात 7 है ना, तो इसका जो पद होगा, पदों की संख्या कितना, टोटल 8 पद आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं n बराबर, ये कैपिटल n जो है वो पदों की संख्या है, वो क्या होगा, स्मॉल n प्लस 1। तो स्मॉल n क्या है, ये जो दिया रहता है वो स्मॉल n है, उससे एक ज्यादा होता है पदों की संख्या, ये तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मध्य पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब n कैपिटल n अगर विषम हो तो एक मध्य पद आएगा, लेकिन अगर x प्लस वाई का पावर 3 है, ठीक है, तो क्या होता है सूत्र इसका, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये होता है सूत्र। अब देखिए इस स्थिति में स्मॉल n तो 3 है लेकिन कैपिटल n उससे एक अधिक होगा, यानी कि 4 है। अब 4 क्या है, ये सम संख्या है। तो पदों की संख्या अगर सम संख्या होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, तो ऐसे में मध्य पद 2 पद निकल के आएगी, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, दो पद हो गया। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि अगर कैपिटल n विषम होगा तो एक मध्य पद निकलेगा, और अगर कैपिटल n सम होगा तो दो मध्य पद निकलेगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे कि कौन सा मध्य पद होगा, तो देखिए जब अगर विषम होगा n का मान, तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई टूथ पद, ठीक है। तो यहां से हमें जो पिछले क्लास में हम वो पढ़े थे ना, मीन मोड मीडियन है ना, तो मीडियन माध्यिका, माध्यिका हम जब निकालते थे तो कुछ वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। माध्यिका निकालते थे तो जब विषम आता था तो n प्लस 1 बाई 2 पद होता था, ठीक है, और जब विषम आता था तब दो पद आएगा। तो दो पद क्या होगा, n बाई 2 पद होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, n बाई 2 प्लस 1 वा पद होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर n विषम हुआ तो n प्लस 1 बाई 2 पद करके वो पद निकाल लेंगे, ठीक है, कौन सा पद होगा उससे हमें पता चल जाएगा, फिर उसका हम मान निकाल लेंगे। अगर n का मान सम हुआ तो दो पद आएगा, सबसे पहले n बाई 2 पद, दूसरा n बाई 2 प्लस 1 वा पद। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो दिया गया प्रश्न है उसमें हमें स्मॉल n दिया है 7, तो कैपिटल n क्या हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1, तो n इक्वल टू 8, तो ये सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए n जब सम संख्या होता है तो दो मध्य पद निकल कर आती है, ठीक है, तो वो दो मध्य पद हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n बाई 2 पद, ये पहला पद हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, n बाई 2 प्लस 1 वा पद, ठीक है, समझ में आया। देखिए n कैपिटल n क्या दिया है, 8, तो 8 बट्टे 2 वा पद, और 8 बट्टे 2 प्लस 1 वा पद, तो 8 बट्टे 2 क्या होगा, ये हुआ चौथा पद, और दूसरा ये क्या होगा, 4 4 धन 1 5, पांचवा पद। इसका मतलब हमें इस प्रसार में दो पद निकालना होगा जो कि मध्य पद होगा, पहला होगा चौथा पद और दूसरा पांचवा पद। तो हमें चौथा और पांचवा पद निकालना होगा व्यापक सूत्र यूज करके, ठीक है। व्यापक पद का सूत्र क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर, ठीक है। हमें सबसे पहले
चौथा पद निकालना है, ठीक है, तो चौथा पद निकालना है तो r का मान क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 4वां पद, ठीक है, चौथा पद निकालना है तो r का मान क्या हो जाएगा, जो पद निकालना होता है उससे एक कम, यानी कि क्या हो जाएगा 3, और n हमें दिया हुआ है प्रश्न में, n क्या दिया है 7, x का मान 3 और y का मान क्या होगा, इसको मैं एडजस्ट करूंगा तो ये प्लस और माइनस को अंदर में लेके चले जाऊंगा, तो माइनस एक्स का पावर 3/6, ठीक है। तो अब व्यापक पद के सूत्र में रख दूंगा, टी 3+1 इक्वल टू एन सी आर, तो 7c3, एक्स के जगह 3 का पावर n माइनस आर, तो n क्या है 7, 7-3 क्या हो जाएगा 4, फिर y, y की जगह क्या होगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 का पावर r, r क्या है 3, तो देखिए ये क्या हो जाएगा t4 इक्वल टू 7c3, तो क्या होगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7-3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और 3 का पावर 4, यहां पे देखिए ये विषम संख्या है घात में, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस को मैं सामने रख दिया, फिर x का पावर 3/3, तो क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 3 × 9 हो जाएगा और 6 का पावर 3, तो t4 जब हम इसे हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा -105/8 x का पावर 9, ठीक है, तो ये आ गया चौथा पद, ठीक है, एक आंसर तो आ गया। अब इसी प्रकार से हमें पांचवा पद भी निकालना होगा। अब देखिए पांचवा पद निकालना है हमें, तो मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं, तो r क्या हो जाएगा, पांचवा पद निकालना है तो r एक कम, यानी कि r हो जाएगा 4, अब इस सूत्र में रख देता हूं, tr+1 यानी कि 4+1 इक्वल टू n के जगह 7, सी r क्या हो जाएगा 4, x के जगह क्या होगा 3 का पावर n माइनस आर, यानी कि 7-4 ये हो जाएगा 3, y के जगह माइनस एक्स अपॉन 6 का पावर, सॉरी ये क्यूब में है, इसका पावर r, r क्या है 4, तो t4+1 क्या हो जाएगा t5 इक्वल टू 7c4, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 7-4 क्या हो जाएगा 3, अब देखिए 3 का पावर 3, माइनस यहां से हट जाएगा क्योंकि जो घात है वो सम संख्या है, तो x का पावर 3×4, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12/6 का पावर 4, तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 35/48 x का पावर 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा पांचवा पद, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है, तो देखिए इसका भी हमें मध्य पद निकालना है, तो जो कैपिटल N देख लेते हैं, कैपिटल N क्या होता है n+1, ठीक है, पदों की संख्या हमें निकालना है, स्मॉल n क्या दिया है 10 दिया है, तो 10+1 क्या होगा 11, तो कैपिटल N यानी कि इस प्रसार में जो पदों की संख्या होगा वो 11 होगा, जो कि विषम संख्या है। तो देखिए जब विषम संख्या होता है तो मध्य पद हम कैसे निकालते हैं, n+1/2 व पद, ये होता है मध्य पद, तो मध्य पद निकाल लेंगे, n दिया है 11, तो 11 × 1/2 ये हो जाएगा 12, 12/2 6, तो छठवां पद हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इस प्रसार का छठवां पद निकालना होगा। तो देखिए जो प्रश्न दिया है उसे हम लिख लेते हैं, x/3 × 9y/10, अब यहां से हमको क्लियर है कि x के जगह क्या दिया है x/3, y के जगह 9y, और स्मॉल n के जगह दिया है 10, और r क्या हो जाएगा, तो देखिए हमें छठवां पद निकालना है, छठवां पद निकालना है हमें, तो r एक कम हो जाएगा जो पद निकालना है, यानी कि 5, तो r का मान क्या हो गया 5, तो व्यापक पद का सूत्र लगाते हैं, tr^1 = ncr x का पावर n-r y का पावर r, तो t
आठ धन एक यानी पांच धन एक क्या हो जाएगा छह, तो टी सिक्स हो गया ये। अब एन सी आर, तो एन का मान क्या है टेन सी, आर क्या है पांच, एक्स का मान क्या है एक्स बाई थ्री, जिसका घात क्या है एन माइनस आर, तो एन क्या है दस, दस माइनस पांच क्या होगा पांच, तो मैं डायरेक्ट पांच लिख देता हूं। वाई, तो वाई की जगह क्या है नाइन वाई, जिसका घात आर है, आर क्या है पांच। इसे हम आगे हल करते हैं तो टी सिक्स मिलेगा। टेन सी फाइव, तो इसका इसको मैं सरल करता हूं तो फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल फाइव, टेन माइनस फाइव क्या होगा फाइव। इसको मैं ओपन कर देता हूं ब्रैकेट को, तो x का पावर 5 और 3 का पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 का पावर 5 इंटू y का पावर 5। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टोरियल 10 है उसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, एक फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा और इस फैक्टोरियल 5 की जगह मैं क्या लिख सकूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 वन जा 2 थ्री जा 3 और 3 कैंसिल 4 वन जा 4 टू जा, यहां से 5 वन जा 5 टू जा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 गुना 9 गुना 7, 4 गुना 9 गुना 7 ये बचा गुना 9 का पावर 5 और नीचे में क्या है 3 का पावर 5 और ये जो चर है वो क्या है x का पावर 5 और y का पावर 5। इसे जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इसे हम 3 के बेस में बना सकते हैं, तो 3 का पावर 2 ये होता है 9, तो 5 दूनी 10, तो 3 का पावर 10 ये हमें दिया हुआ है, तो 3 का पावर 10 और 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5 क्या होगा 5, तो इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा 61236 x का पावर 5 y का पावर 5। तो अतः छठवां पद यानी कि मध्य पद इस प्रश्न का ये होगा।